वेलकम टू द मैथमेटिक्स विथ अयाज लिपितापी। आज मेरा टॉपिक है डिस्कस करने का, वो है कॉम्बिनेशन, पार्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ द कॉम्बिनेशन, जिसमें कि हमने पहले 10 क्वेश्चंस पहले कर लिए थे। आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, आपने इसे थोड़ा गौर से समझना है कि ये क्योंकि इसके क्वेश्चन जो रहते हैं वो बड़े आसान से हैं, जस्ट उन्हें आपने क्लियरिफाई करके दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आए। तो अब कहता है कि इन अ पेपर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का कोई पेपर है, देयर आर टू सेक्शंस, लेट सपोज सॉल्यूशन, तो हम कह दें लेट इट कंटेन ए एंड बी सेक्शन। कहाँ से? ए एंड बी सेक्शन। तो उस पेपर के अंदर हमारे दो सेक्शंस हैं, एक हो गया ए और दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा सेक्शन हो गया बी। ठीक है, अब इनमें से ये क्या कहता है कि टू सेक्शंस, ईच कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस, एवरी एग्जामिन हैज टू डू 6 क्वेश्चंस। हर एग्जामिनेशन को 6 क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि पेपर के हर सेक्शन में हमारे कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज ही कैन आंसर, कितने तरीकों से वो अपना जवाब दे सकता है। इफ़ ही कैन नॉट अटेम्प मोर देन 4 फ्रॉम 1 सेक्शन, और ये कहता है कि इन जब ये 4 क्वेश्चंस किसी 4 से ज़्यादा किसी भी सेक्शन से अटेम्प नहीं कर सकता। तो लेट सपोज, तो ए वाले में भी हमारे कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, मस्ट अंडरस्टैंड, और सेक्शन बी कंटेन इज इक्वल्स टू 5 क्वेश्चंस एज वेल, सो इन दोनों को आपने थोड़ा गौर से समझना है। अब ये कहता है कि ए सेक्शन से 5 क्वेश्चन हैं, बी सेक्शन में भी 5 क्वेश्चन हैं। अब बंदा या तो इन पांचों में से एक, ए में से अगर वो 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, देन बी में से उसे 2 ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे पास आर, अगर ए सेक्शन में से वो 4 अटेम्प्ट करता है तो बी सेक्शन से 2 करने होंगे, क्योंकि उसे 6 करने ही करने हैं। अगर मैं कहूँ कि वो ए सेक्शन से अगर 3 क्वेश्चंस करता है तो इनटू 3 क्वेश्चंस उसे बी सेक्शन से करनी होंगी, क्योंकि उसे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं। ठीक है, अब अगर ये 2 क्वेश्चंस ए क्वेश्चन से अटेम्प्ट करता है तो 4 क्वेश्चंस उसे बी से अटेम्प्ट करने ही होंगे। ठीक है, या आर, ये हम यूं कह दें आर। अब हम इससे आगे जा नहीं सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि एक क्वेश्चन ए से अटेम्प्ट करे और बी से 5 करे, क्योंकि वो किसी सेक्शन से 5 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो इसी नज़र पेशे रखते हुए हम इसे खारिज कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि इसे सॉल्व करने के लिए कि ए सेक्शन में टोटल क्वेश्चन 5 हैं जिसमें से वो 4 अटेम्प्ट कर सकता है, और बी में भी हमारे 5 हैं जिसमें से वो सिर्फ 2 अटेम्प्ट कर सकता है, एंड देन प्लस दिस इज मल्टीप्लीकेशन बिटवीन देम। 5 क्वेश्चनों में से वो कितने, 3 अटेम्प कर सकता है, या फिर 3 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चनों में से वो भी 3 क्वेश्चन अटेम्प कर सकता है प्लस। तो अब चलेंगे कि 5 क्वेश्चनों में से या तो फिर वो 2 क्वेश्चन अटेम्प कर सकता है, या फिर उन 5 क्वेश्चन में से अब बी सेक्शन के वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि ये हमारे पास 10 हो रही रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एंड आर फैक्टोरियल था हमारे पास। अभी उसी के लिए आप लोग एन सी आर के लिए सबसे पहले जो है हमें 5C2 एक ही किसी का निकाल देता हूँ, मैं इसका निकालता हूँ 5C3 का। तो आप लोगों को ये तरीके अमल समझा रहा हूँ, वैसे आपने खुद कैलकुलेटर से करना होगा या फिर आप ऐसे कर लीजिएगा। 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड उसी लिहाज से हमारे पास 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अब हमारे पास जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो कुछ इस चीज़ के इक्वल होगा कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120, एंड दिस इज नथिंग बट 2 इंटू द 6 विच इज़ अ 12,
सिक्स का टेबल हमारा यहाँ पे जाएगा 20 टाइम, यानी कि इसका आंसर हमारे पास 3 आएगा। सो इसी तरीके से हमारे पास यानी कि इसका आंसर 10 आ रहा है, तो हम ऐसे सबके आंसर्स निकालेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि अगर वो पांच क्वेश्चन, अब इन कॉम्बिनेशंस को हम जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास दिस वुड बी नथिंग बट 5C4 का मैं अगर कैलकुलेटर से कर दूं तो ये मेरे पास आ रहा है 5 एंड इनटू द 10 प्लस इसका मेरे पास 10 आया और इसका मेरे पास क्या आया 10 बिकॉज C3 प्लस, और इसी तरीके से अगर मेरे पास ये 5C2 का अगर मैं देखूं तो 5C2 का मेरे पास 10 आया और 5C4 का मेरे पास 5 आया, तो इसके बाद 10 एंड 5 मल्टीप्लीकेशन है बीच में। नाउ वी वुड ऐड मल्टीप्लाई दिस वन, दिस वुड बी 50 एंड दिस इज़ नथिंग बट 100 एंड दैट इज़ 50, यानी कि ही हैज़ 200 वेज, एग्जामिनेशन हैज़ 200 वेज टू अटेम्प्ट द सेक्शन क्वेश्चन 6 फ्रॉम ए आर बी बट नॉट मोर देन 5 फ्रॉम एनी सेक्शन, यानी कि अगर वो 4 से ज़्यादा नहीं, अगर 4 ए सेक्शन से करता है तो 2 से बी से करने होंगे, ये हमारे उसके पास 200 वेज हैं कि वो उसे अटेम कर सकता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की और वो क्या है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें कहता है फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 50 बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 55 आर ड्रॉन टू ड्रॉन, 5 उसमें से निकाले जा रहे हैं। इफ़ इन अ बैग देर आर 5 वाइट बॉल्स, थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पर एक चीज़ कह रहा है कि 5 हमारे पास क्या हैं वाइट बॉल्स हैं एंड द रेस्ट आर द ब्लैक, और जो बकाया जो भी हैं वो मेरे पास क्या हैं ब्लैक। फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट द ड्रॉन बॉल्स कंटेन एट लीस्ट वाइट बॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे है कि 5 बॉल वो ड्रा कर रहा है एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 50, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 5 बॉल आर टू बी ड्रॉन एंड देयर आर 5 वाइट बॉल्स, 50 में से 5 बॉल वो निकाल रहा है, किस तरीके से निकालेगा जब के 5 उसमें वाइट हैं। सो तो यहाँ पे हम करेंगे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पता है कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स जो हैं वो मेरे पास कितनी हैं 50 हैं। अब उसमें से नंबर ऑफ वाइट बॉल जब हम निकालेंगे, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, तो हमारे पास वाइट बॉल्स कितनी हैं 0, 5, द रिमेनिंग विल बी बिकेम ब्लैक, सो हम कहेंगे रिमेनिंग बॉल्स ब्लैक बॉल्स कितने होंगे, फिर हमारे पास ब्लैक बॉल्स विल बी 45, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब हमने करना क्या है कि 5 बॉल ड्रा करनी है, कितने तरीके से होगा कि उसमें से एक वाइट बॉल आपने लेना ही लेना है, आप यानी कि वाइट बॉल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन लेने 5 हैं। सो मैं कहूँगा कि वेज हम इस तरीके से निकालेंगे कि आप लोगों को ये बात याद रहे कि हम लोगों ने एक वाइट बॉल लेना है कितने से 5 में से, एंड मल्टीप्लाई बाय एंड बकाया जो रह गए वो 4 बॉल हमने कौन से लेने हैं ब्लैक बॉल्स लेने हैं, और हम यूं भी कर सकते हैं कि कम से कम एक वाइट बॉल लेना था तो हम 2 भी आ सकते हैं, तो हम अगर 2 वाइट बॉल ले लें इंटू आर, अब 5 बॉल लेनी है तो 3 हमें क्या लेने होंगे ब्लैक लेने होंगे, और अगर हम यूं कर दें नहीं भाई हम तीनों के तीनों वाइट उठा रहे हैं एंड 2 बिकेम्स ब्लैक, क्योंकि 2-5 की कोटा पूरी करनी ही करनी है। अगर कोई कह रहा है नहीं आर हम यूं कर रहे हैं कि 4 वाइट बॉल उठा रहे हैं और 2 हमारे पास सॉरी 1 क्या हो जाएगा ब्लैक, और कोई कह रहा है नहीं हम यूं कर दें कि 5 हम वाइट उठा लें, आपकी मर्जी है भाई, इनटू द
जीरो बॉल्स, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स आर फाइव। तो यहां पे हम यूं करेंगे कि फाइव आर वाइट बॉल्स वेयर वी हैव टेकन वन बॉल इनटू द ब्लैक बॉल्स आर 45 फ्रॉम वे होम वी हैव टेकन ओनली एंड ओनली फोर बॉल्स प्लस इस तरीके से। अब वाइट बॉल हमने दो उठाए, कितनों में से भाई, पांच वाइट बॉलों में से कितने उठाए, दो इनटू द, और फिर 45 बॉल में से ब्लैक बॉल में से हमने कितने उठाए हैं, तीन, एंड प्लस वाइट बॉल हमारे पास कितनी है, पांच, और उनमें से हमने कितने उठाए हैं, तीन, और 45 ब्लैक बॉल में से हमने कितने उठाए हैं, दो, एंड प्लस वाइट बॉलों में से हमने कितने उठाए हैं, पांच में से हमने उठाए हैं भाई चार, और ब्लैक बॉल 45 में से हमने कितने उठाए हैं, दो, सॉरी वन, एंड प्लस पांचों के पांचों हमने वाइट बॉल्स उठाए हैं, तो हमने ब्लैक कोई भी नहीं उठाया, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल डेटा आ गई, ठीक है। तो पांच वाइट बॉल हमने, पांच एक वाइट बॉल उठाया, फिर चार जो है हमने ब्लैक बॉल उठाए, और इस तरीके से हम चलते गए। तो आप अगर इसकी रिजल्ट आप थोड़ा तो गौर से देखिएगा, हम इसकी रिजल्ट निकाल रहे हैं, अगर आप निकालेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलेटर दिस वुड बी क्वाइट ईजियर फॉर यू, कि फाइव वन सी फाइव लगा के आप लोगों ने शिफ्ट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा फाइव मल्टीप्लाई बाय 45C4 का अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 14 8 9 5, फिर मेरे पास हो जाएगा प्लस, एंड सिमिलरली जब आप दूसरे का निकालेंगे 5C2 का तो आपके पास आ जाएगा, अब मैं चल रहा हूँ इसके ऊपर 5C2 यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका अगर हम निकालेंगे 5C2 का तो 5C2 का मेरे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 45C3 का अगर हम निकालेंगे तो मेरे पास आएगा 14 1 9 0 एंड प्लस, उसके बाद अगर हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं 10 9 9 0 का, यानी कि अगर हम इस पे चले जाएं थर्ड नंबर पर तो मेरे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर पे मैं जाऊंगा तो ये भी आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय, और इसके टू वाले निकालने से हम 994 वेज आ जाएंगे, अगर दो दो हम उठाएं 990, और उसके बाद प्लस अगर हम इसका निकालेंगे 5C4 का तो मेरे पास आएगा 5 एंड 45 मल्टीप्लाई बाय 45, ये मैंने थोड़ी निकाल के रख दिए, मैं वो पेपर से देख के लिख रहा हूँ, और उसके बाद प्लस अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि दोनों का आंसर आपके पास 1 ही 1 आएगा। अब इस तरीके से हमने ये निकाल लिए हैं, अब हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 148995 दैट इज नथिंग बट 7545 एंड प्लस 10 हम अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नथिंग बट 419900 प्लस 9940 एंड प्लस 45 5 मल्टीप्लाई बाय 45 दैट इज नथिंग बट 225 एंड प्लस 1, ठीक है, 225 एंड प्लस 1। अब हमने 744 और 975 प्लस 1419 प्लस
9940 एंड प्लस 225 एंड प्लस 1। तो हमारे पास आंसर जो आया है वो आया है 8979041। दैट इज अ वेज कि अगर हमें एक वाइट बाल हमारा कम से कम हम वाइट बाल रहते रहें तो। सो इट वाज अ क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। अ टीम ऑफ 11 टू बी चूजिंग आउट ऑफ 15 क्रिकेटर्स। हमें 11 लोगों की टीम चुननी है आउट ऑफ 15 क्रिकेटर्स, 15 क्रिकेटर में से। ऑफ होम 5 आर बॉलर्स, 5 उनमें से बॉलर्स हैं एंड 2 अदर आर विकेट कीपर्स। और उनमें से 2 और हैं वो हैं विकेट कीपर, यानी कि वो बॉलर में से नहीं अलग से हैं। इन हाउ मेनी वेज, इन कितने तरीकों से कैन दिस बी डन, ये बना सकते हैं सो दैट द टीम कंटेन। फर्स्ट एग्जैक्टली 4 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर, यानी कि 4 बॉलर होने लाजमी हैं, ना कम ना नीचे, एग्जैक्टली, और 1 विकेट कीपर पहले पार्ट में। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो आप लोगों को थोड़ी बातें दिमाग में होनी चाहिए कि टोटल हमारे पास 11 टीम में प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, 15 हैं सॉरी, और उनमें से 7 हमारे पास ये हैं ही हैं। कितने? 7। कौन से? 5 बॉलर्स एंड 2 विकेट कीपर्स। तो यहाँ पे मैं यूं कर दूं, 5 बॉलर्स, बॉलर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी, 7 सॉरी 5 एंड विकेट कीपर्स। और जो विकेट कीपर हैं वो कितने हैं? वो हैं हमारे पास 2। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो मुझे उठाने हैं वो हो गए 7। कितनों में से? आउट ऑफ द 15 माइनस 7 रिमेन्स 8। और ये दूसरे बंदे हैं, पता नहीं ऐसे कर दिया, बैट्समैन ही हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ये उठाने हैं। तो हम लोगों के पास 5 बॉलर्स आउट ऑफ हाउ मच, और 7 हमने निकाले तो हमारे पास कितने आ गए? 8। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमने 4 बॉलर्स उठाने ही उठाने हैं। कितने बॉलर्स हैं? कितने मेरे पास? मेरे पास हैं 5 बॉलर्स, उनमें से कितने उठाने हैं? 4। तो हम कहेंगे 5 में से हमने 4 एग्जैक्टली उठाने हैं, मल्टीप्लाई बाय। और उसके बाद 1 विकेट कीपर आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ 2 विकेट कीपर, लेकिन टीम तो बनानी है ना। और फिर हमारे पास ये हो गए 5, बिकॉज 4 इसमें से और इसमें से हमने ये उठाए। तो हमारे पास एक और है कि अब हमारे पास ये हो गए 5, 5 गए 11 में से, तो हमारे पास 6 रह गए नंबर, क्योंकि टीम प्लेयर 11 की बनानी है, मस्ट रिमेम्बर 1 एंड 4 5। अब 6 जो बंदे हैं वो हमने जाहरी बात है वो उठानी है, जो 8 दूसरे हैं। तो अगर इस तरीके से हम उठाएं तो हमारे पास क्या होगा, 5C4 का आंसर। मैं अगर यूं लिख दूं तो मैंने इसे साल किया कैलकुलेटर में, तो 2 एंड 2 5 एंड 2 एंड 8, क्या आया हमारे पास? 5 2 एंड 8 28, ठीक है। अब इसे अगर हम साल करें तो 5 2 एंड 28 दिस बिकेम्स 280 वेज। अब थोड़ा आपको दिमाग में इसमें हिचकिचाहट हो रही होगी कि ये सर ने किया क्या। देखें बच्चा, थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। 5, मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि आप समझ रहे होंगे, 5 बॉलर में से हमने एग्जैक्टली 4 उठाने ही उठाने हैं, ठीक है, तो हमने 5 में से 4 उठाए। और 2 विकेट कीपर में से, कितने विकेट कीपरों में से? 2 में से हमने 1 उठाने हमने उठाया। अब देखिए ये तो हो गए उठाने वाले लोग, कितने? 5 हो गए,
लेकिन तीन कितने की बनानी है, 11 की, तो 6 कहाँ से आएंगे? 6 जो हमारे 15 में से सिलेक्टेड, 5 और 2 हमने निकाले 8, उन 8 में से 6 उठाएंगे कि 5 और 6 और 5 हमारे पास 11 हो गए, और इसके बनाने के तरीके हमारे पास 280 हो गए। अब चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की ओर। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एटलीस्ट 4 बॉलर्स आपने उठाने हैं, एटलीस्ट 4 बॉलर्स, यानी कि अगर आप 5 बॉलर में से 4 बॉलर उठाएं और 5 बॉलर सॉरी 2 विकेट कीपर से आप एक जो हैं आप क्या उठाएं, एटलीस्ट 1 विकेट कीपर, तो रह गए कितने हमारे 8 में से, हम फिर 6 और उठाएंगे। आर ये कर सकते हैं या फिर हम यूं कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 4 उठाने हैं, तो यहाँ पर एटलीस्ट 4 हमने उठाए, तो यहाँ से हम यूं कर सकते हैं कि 5 में से हम 3 तो ये लेंगे, तो 2 कौन से लेंगे, 2 हम क्या ले लेंगे, विकेट कीपर्स ले लेंगे, और फिर हमारे पास 8 में से 6 हमने वैसे के वैसे उठाए हैं। यहाँ पे इस बात को गौर करना आप पे फ़र्ज है कि अगर हमें एटलीस्ट कम से कम क्या 5 लोग उठाने हैं, कितने 5, 4 हमने एटलीस्ट कम से कम 4 उठाने हैं, तो यहाँ पे मैं नीचे चला गया हूँ, सॉरी, हम यहाँ पे आएंगे, 5ों में से 5ों हम विकेट कीपर उठाएं, ऊपर जा सकते हैं एटलीस्ट का मकसद कि नीचे नहीं आ सकते, 4 से कम नहीं आ सकते, तो 2 हमने विकेट कीपर उठाए, तो 7 बंदे हमने यही उठा लिए, तो 7 गए हमारे 11 में से, 7 माइनस दिस रिमेन्स 5, 3 एंड 4 रह गए, तो हम 4 और कहाँ से लाएंगे, 4 हम वो वहाँ से लाएंगे जो हमारे पास 8 बंदे दूसरे थे, तो यहाँ पे मैंने छोटी सी मिस्टेक की थी। तो अब हमने इसका तरीके अमल तो निकाला, आंसर द पार्ट ऑफ फर्स्ट दैट इज नथिंग बट व्हाट इज दैट 280 एंड प्लस 5C5 का अगर मैं आंसर निकालना चाहूँ तो मेरे पास 1 होगा, और मल्टीप्लाई बाय 2C2 का निकालना चाहूँ वो भी 1 होगा, एंड दैट इज नथिंग बट 70। तो हमने 280 एंड प्लस 70 दैट इज नथिंग बट 015 एंड 350 वीज, ठीक है, 300 हमारे पास कितने होंगे, 50 तरीके होंगे एटलीस्ट। अगर ये कहता एटलीस्ट के अलावा ये कहता एट मोस्ट 4 उठाने हैं, तो हम फिर नीचे जाते हैं, मैंने मोस्ट समझा था, इसलिए हमने इससे ये मिस्टेक हो गई, चलें हमने दुरुस्त कर लिया एट दैट मोमेंट ही। तो ये हमारे पास था 13 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, और वो क्या कहता है, चलें आए उसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आउट ऑफ छोटा सा है ना इसलिए, आउट ऑफ 12 पर्संस हाउ मेनी पार्टीज कैन बी फॉर्म्ड, 12 बंदों में से कितनी पार्टीज फॉर्म हो सकती हैं, देखें क्वेश्चन को समझें, दैट ईच पार्टी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 5, लेकिन 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो आपने पार्टी बनानी है। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग ऐसी पार्टी बनाएं जिसमें बंदा ही ना हो, यह कोई पार्टी होती नहीं है, तो हमने कम से कम एक बंदे से स्टार्ट करना है कि एक बंदा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, और 5 से ज़्यादा अब नहीं बढ़ना, लेकिन उठाने किन में से हैं, 12 में से, तो हमारे पास अब हम 12 लोगों में से हमें पार्टीज बनानी हैं, लेकिन वो किन से ज़्यादा नहीं हो, 5 से, तो ये ध्यान में रखना है। तो हम यूं कहेंगे कि ये एक बंदा उठा सकता है पार्टी के लिए आर, 12 में से ये 2 भी हो सकते हैं आर, 12 में से ये हमारे पास 3 वाली पार्टी बना सकता है आर, 12 में से ये 4 बंदों वाली भी आर, 12 में से ये 5 बंदों वाली पार्टी भी हो सकती है। अब उसी तरीके से अगर हम चलेंगे तो डेट इज़ 12C1 प्लस 12C2 प्लस, बिकॉज आर इज़ एडिशन वेयर एंड इज मल्टीप्लीकेशन, प्लस 12C4 प्लस 12C5,
ठीक है, अब इसके हमने या देखिए मैं बहुत मरतबा कह चुका हूँ, आपने यहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। अगर आप फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फार्मूले की ओर चाहिए, लेकिन आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है मेरे पास आया 12 एंड प्लस, और इसका आंसर अगर मैंने कैलकुलेटर से निकाला 86 एंड प्लस 220 इसका आंसर, और उसके बाद हमारे पास 495 इसका आंसर, 495 एंड प्लस उसके बाद वाले का आंसर हमारे पास आ गया 729। और इन सब वेज को हमने जब ऐड अप किया तो मेरे पास आ गया 1585 वेज बने। क्या वेज? पार्टी बनाने के, लेकिन वो 5 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, ये ध्यान रहे। अब इसी नज़रिए के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कह रहा है देयर आर द 10 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, कलर डिफरेंट है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट 7 ऑफ देम सो एज टू इंक्लूड, शामिल करना है। इंक्लूड मीन्स क्या करना है? शामिल, कि हमें जो है इन बाल में से एक बाल हमारा जो हो वो क्या हो, 10 बाल में से 7 बाल में जो है एक बाल हमारा क्या हो, हो रेड हो। तो अब जब एक बाल रेड हो तो रेड की वेज हम निकालेंगे, और यहाँ पर इसे अगर हम पार्ट नंबर 1 को करना शुरू करें तो फादर पार्ट 1, अगर यहाँ पर 10 बाल में से एक रेड हो तो बच गए हमारे कितने? 9 बाल, जिसमें से हम एक बाल हमारा क्या हो, रेड रेड उठाएंगे। अब 7 उठाने थे जहाँ से हम एक उठा चुके हैं, बाकी रह गए 6, तो ये 6 यहाँ पे उठाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यूँ करने के बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 कॉम्बिनेशन 6, इट मींस 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 6 फैक्टोरियल, इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, एंड 6 फैक्टोरियल व्हिच इज इंक्लूडिंग 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 1 एंड इट्स फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चा, तो अब हमारे पास 9 इंटू द 8 इंटू द 7 इंटू द 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जब जाएंगे तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल इंटू द 6 फैक्टोरियल कैंसिल इंटू द 1। 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, 4, और यहाँ पर हम 9, 4 एंड 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9, 4 एंड 7, सो 9 फैक्टोरियल इट मीन्स 9 और 4 एंड 7, 9, 4 और 7 को जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6 फैक्टोरियल चला गया, तो 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही आता है, 6, 7, 8, 9, दिस इज 3, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। सो हम जब 3 फैक्टोरियल इट मीन्स 6, और इसे हम 8 ही रख देंगे, तो 8 ये है, सो 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, सो जो भी आंसर आया डिवाइडेड बाई 6, तो ये आंसर हमारा आएगा 84 वेज। कितने वेज होंगे? 84 वेज। हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर, ये कह रहा है टू एक्सक्लूड, शामिल नहीं करनी, द वाइट बॉल एंड द ब्लैक बॉल। इसका मकसद है कि एक वाइट है और एक ब्लैक है, तो इस लिहाज से अब टोटल बाल हमारे पास 10 है, जिसमें से हम 2 बाल निकाल देंगे, जो रह जाएंगे वो हमारे पास कितने बाल हैं, 8 बाल, उनमें से हमने 7 सेलेक्ट करनी है। सो इट मीन्स 8C of 7, जब आप इसे बाय यूजिंग कैलकुलेटर हल करेंगे तो आपके पास जो होंगे टोटल वेज कितने होंगे, दे आर द 8 वेज। क्या आंसर आएगा इसका? 8 आंसर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और वो क्या कहता है। सो क्वेश्चन नंबर 16 में ये हमें यूं कहता है कि क्वेश्चन नंबर 16 के इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन इनवाइट, इन हाउ
मेनी डिफरेंट वेज वी हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन इनवाइट वेज कैन वन इनवाइट कर सकता है द पार्ट नंबर वन एग्जैक्टली थ्री पीपल्स एग्जैक्टली थ्री पीपल एंड पार्ट नंबर टू इज थ्री आर मोर पीपल्स पार्ट नंबर टू इज थ्री आर मोर पीपल कितनों में से अभी ये इसने नहीं बताया फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फाइव फ्रेंड्स फॉर अ डिनर फ्रॉम ग्रुप ऑफ फाइव फ्रेंड्स फॉर अ डिनर किसके लिए डिनर के लिए ये बात आप ध्यान रखिएगा अब क्वेश्चन को थोड़ा गौर समझिए कि हमारे पास कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन इनवाइट एग्जैक्टली थ्री पीपल्स आउट ऑफ हाउ मेनी फाइव पीपल्स पांच बंदी हैं पांच दोस्त हैं उनमें से डिनर के लिए जा सकते हैं एग्जैक्टली थ्री तो हम अगर फर्स्ट नंबर पार्ट की तरफ देखें कि ये थ्री पीपल जा सकते हैं कितनों में से पांच बंदों में से तो इसके लिए हम क्या करेंगे फॉर द पार्ट नंबर वन वी वुड से फाइव पीपल जा नहीं सकेंगे थ्री सो दैट इज नथिंग बट फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल एंड थ्री फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एंड थ्री फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू फाइव फोर थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एंड थ्री फैक्टोरियल कैंसिल आउट फाइव फोर जो ट्वेंटी एंड ट्वेंटी डिवाइड बाई टेन वीस ठीक है फाइव फोर जो ट्वेंटी एंड डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू टेन वीस और ये कहता है थ्री आर मोर पीपल्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फाइव पांच में से तीन या उससे ज्यादा जा सकते हैं तो हम कहेंगे तो पार्ट नंबर टू के लिए के पांच में से अगर तीन ही जाएं आर पांच में से अगर चार जाएं आर पांच में से अगर पांचों ही जाएं थ्री या मोर अब पांच में से अगर छह तो जा ही नहीं सकते क्योंकि लोग ही पांच हैं तो इसके हो अब हम करेंगे साल तो 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5 तो आप फार्मूला लगाएं या फिर इसे इस तरीके से साल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 10 प्लस 4 फैक्टोरियल इट मींस 5 एंड प्लस वन दे आर द 16 वीज कितने तरीके होंगे 16 तरीके होंगे आफ्टर सॉल्विंग द कॉम्बिनेशन 16 वेज दैट वन कैन इनवाइट इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वेज कैन वन इनवाइट एक बंदा इनवाइट कर सकता है एग्जैक्टली तीन बंदों को 10 तरीकों से और तीन या उससे ज़्यादा बंदों को 16 तरीकों से क्योंकि बंदे पांच हैं तो हम पांच से आगे नहीं बढ़े थे तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 मेंबर्स टू बी चोजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिक्स लेडीज एंड फाइव जेंट्स पाँच छः लेडीज़ में और पाँच जेंट में से हमें सात मेंबर्स की एक पार्टी बनानी है इन हाउ मेनी वेज कैन द पार्टी बी फॉर्म्ड कितने तरीके से पार्टी फॉर्म बन सकती है वेज कितने बनेंगे इट इज टू कंटेन जब उसके पास एग्जैक्टली चार लेडीज़ हों फिर अब एग्जैक्टली का मकसद ये होता है कि न चार से लेडीज से बढ़ें न चार से कम हों तो पार्ट नंबर फर्स्ट के लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि ना ही चीज़ चार से बढ़ रही है ना ही चीज़ चार से कम हो रही है तो उसके लिए अब हम देखेंगे कि लेडीज़ सात की बनानी है मेंबर कितने बनाने हैं सात की अब हम देखेंगे कि लेडीज़ कितनी हैं हमारे पास लेडीज़ हैं छः तो हम छः में से लेडीज़ चाहिए तो छः लेडीज़ में से सिक्स में से हमें एनी हाउ चार चाहिए तो तीन और कहाँ से लाएंगे तीन हम जेंट की डेटा से कंप्लीट करेंगे क्योंकि तीन हमारे पास जेंट्स हैं
तो इसलिए चार लेडीज एग्जैक्टली का मकसद है कि ये एग्जैक्ट होनी चाहिए, ना आगे ना पीछे। तो अगर हमने इसका आंसर निकाला 64 का, तो मैंने ये निकाला है 15 and 10, इसका 15 एंड इसका आंसर हमारे पास 10, दैट इज 150 ways। 150 तरीकों से हम उठा सकते हैं जब एग्जैक्टली चार लेडीज हों। पार्ट नंबर टू की ओर चलते हैं, तो पार्ट नंबर टू में हमें कह रहा है एट लीस्ट का मकसद क्या है कि आपके पास कम से कम चार लेडीज होनी चाहिए, उससे आप बढ़ा भी सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम 6 लेडीज में से 4 लेडीज ले लें तो 3 की कोटा पूरी करनी होगी, बिकॉज टोटल मेंबर कितने लेने हैं, 7। तो यानी कि ये हमारे पास हो गए 7। अब कोई बंदा कहता है नहीं, एटलीस्ट कम से कम 4 थी, तो हम 5 अगर लेडीज ले लें कोई मसला नहीं, आप 5 लेडीज ले लें तो आप लोगों के पास 5 जेंट में से फिर जो हैं 2 आपसे जेंट उठाए जाएंगे, क्योंकि खास कोटा पूरी करनी है। और इसी तरीके से अगर कोई कहता है ना 6 लेडीज में से हम 6 ही लेडीज ले लें, तो भाई 5 जेंट में से आपने एक जेंट लेना होगा। अब आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि लेडीज की कोटा हमारे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो 6 लेडीज में से हमने ये चीजें उठाई हुई हैं। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो इसका आंसर बाय यूजिंग द कैलकुलेटर मेरे पास आ रहा है 15 एंड इनटू द 10 प्लस, हमने पहले भी निकाला हुआ था, और उसके बाद 16 इसका आंसर एंड इनटू द 10 और प्लस 16 और 10 आया 6 and 10, सॉरी मैंने कैलकुलेटर से निकाल के रखे हुए हैं 6 and 10, और इसका आंसर हमारे पास 6 and 6 का आएगा 15, 6 and 6 का 1 and 5, इसे हमने अगर निकाला तो 15 into 6 10, 15 into 10 150, 60 and plus 5। अगर हम 150 प्लस 60 प्लस 5 तो हम करेंगे दैट इज़ नथिंग बट 215 ways, 215 तरीके भी हमारे पास बनेंगे जब हम इनसे निकाल लेंगे। अब इसका है हमारे पास थर्ड नंबर पार्ट। सो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास है डेटा, तो हम डेटा में से थर्ड पार्ट लेंगे, ठीक है। अब आए थर्ड पार्ट की तरफ, तो एटमोस्ट 4 लेडीज लेनी है। अब एटमोस्ट 4 लेडीज, अब थर्ड पार्ट में मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेडीज लेनी है, आपने कम नीचे चले जाना है। तो हम कहेंगे 6 हमारे पास लेडीज हैं, कम से कम 4, तो हम कम से कम 4 ले लें, तो हम कोटा पूरी करनी है, तो 5 में से हम 3 बकाया जेंट में से लेंगे प्लस। अब 6 लेडीज में से हम नीचे 3 भी ले सकते हैं, एटमोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 ले सकते हैं, लेकिन उससे आप नीचे 4 जा सकते हैं। फिर हमारे पास जेंट्स हैं, तो हमें कोटा पूरी करनी होगी, तो हम 4 जेंट्स ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम 6 लेडीज में से 2 लेडीज ले लें, तो हम 5 जेंट में से 5 के 5 जेंट्स लेंगे, तो ये हमारे पास कोटा। अब हम नीचे नहीं जा सकते, देखें आप, अगर कोई बंदा कहे 6 लेडीज में से आप 1 ले लें, भाई 5 में से आपने 6 तो नहीं ले सकते ना जेंट में से, तो यानी कि ये हमारे पास राह फिर ख़त्म हो जाएगी। अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन करने के लिए अगर हम इसे करेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट इसका आंसर टोटली अगर मैं निकालूं तो मेरे पास है एक 15 10, इसका आंसर 15 into 10 एंड प्लस 63 का हमारे पास आंसर आया 20 and 5, और उसके बाद प्लस हमारे पास आ रहा है 15 and 1। अब यहाँ पर इसे करेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट 150, 5 2s are 10, 100 एंड प्लस 15, दैट इज़ नथिंग बट 250 एंड 265।
वेज, कितने तरीके होंगे, 265 वेज होंगे कि हम उन्हें बना सकेंगे। तो ये था मेरा 17वां नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 18वीं क्वेश्चन। अ फादर हैज 8 चिल्ड्रेन, ही टेक्स 3 एट ए टाइम, तीन बच्चों को टूवर्स द टू जू की तरफ उठा रहा है 8 बच्चों में से। सो ऑफन एज ही कैन विथआउट टेकिंग सेम 3 चिल्ड्रेन, और उन तीनों चीज बच्चों को उठाने के बगैर फिर वो जो है विजिट कर रहा है मोर देन वंस, ठीक है। ही ऑफनली विल गो एंड हाउ ऑफनली ईच चिल्ड्रेन विल गो, कितनी मरतबा बाप जाएगा और कितनी मरतबा हर बच्चा विजिट लगाएगा जू की, क्योंकि अगर वो तीन एक मरतबा उठा के जा रहा है, दूसरी मरतबा तीन तो दो रह गए थे, दो को तो उठा ही नहीं सकता। तो क्या कर रहा है कि आपको मैं हम समझा दें, लेट सपोज दीज आर द नंबर ऑफ चाइल्ड्स, हाउ मेनी 8 चाइल्ड्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर वो बाप क्या कर रहा है, इन तीन बच्चों को जू की तरफ लेके जा रहा है, तो दूसरी मरतबा वो तीन को अगर लेके जाएगा तो फिर तीसरी मरतबा वो दो को लेके जाएगा, ऐसा ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि तीन मरतबा तीन बच्चों को ये हर मरतबा लेके जा रहा है। इसका मकसद अगर ये तीन बच्चों इनको ले रहा है तो दूसरी मरतबा में दो नए बच्चे और एक पिछला बच्चा, फिर दो नए बच्चे और फिर एक इस तरीके से पिछला बच्चा, ठीक है। तो यानी कि फिर एक रह गया। अब ये फिर इन दो, यानी कि इनमें से अगर मैं यूँ निकालूँ कि इन दो में से, इन दो बच्चों में से एक इस बच्चे के साथ जा रहा है, तो इस तरीके से ये कह रहा है कि तीन को वो लेके ही लेके जा रहा है। तो सबसे पहले हम फादर के विजिट निकालते हैं, तीन बच्चों को अगर वो लेके जाएगा तो कितने बच्चे हैं उसके पास, 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों में से अगर वो विजिट कर रहा है तीन बच्चों को हर मरतबा लेके ही जाएगा, तो हम कहेंगे कि फादर विजिट, दीज आर द फादर विजिट, फादर विजिट आते हैं उसके ऊपर, ठीक है, फादर विजिट। तो यानी कि 8 बच्चों में से वो हर मरतबा तीन को लेके जा रहा है, तो फादर के विजिट क्या होंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 56 वेज। तो यानी कि अब्बू जो हैं वो 56 तरीकों से विजिट कर सकते हैं। अब यानी कि अब ईच चाइल्ड कितने तरीकों से विजिट कर सकता है, तो हर मरतबा उन 56 बच्चों के साथ 56 वेज तीन बच्चे जा रहे हैं, लेकिन बच्चे कितने हैं हमारे पास, 8 बच्चे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हम आंसर निकालें तो 21 टाइम्स, तो हर बच्चा जो है मेरा 21 मरतबा रिपीट हो रहा है, यानी कि एक एक बच्चे को चांसेस 21 मरतबा मिलेंगे। तो देट इज टाइम्स ईच चाइल्ड विल विजिट हाउ मेनी टाइम्स, 21 टाइम्स। सो देट इज क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन का हुआ इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कॉम्बिनेशन चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर नए टॉपिक के साथ, सॉरी, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है क्या, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सी यू सून। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।